हे गाइस, क्या आपको पता है कि हम शॉप या सैलून के अंदर जब बाल कटवाते हैं तो उनका बाद में क्या होता है? वो टोटली वेस्ट हो जाते हैं। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि हेयर को भी डोनेट कर सकते हैं। उन सब में एक मैं भी थी। और आखिर हम ये हेयर डोनेट जिनको करते हैं वो उनका क्या करते हैं, मैं ये बताती हूँ, ठीक है? तो वो लोग है ना जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनके लिए विग बनाते हैं, ऐसे नकली बाल बनाते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो, और फिर उनको फ्री में देते हैं, ठीक है ना? जो कैंसर पेशेंट होते हैं वो अपनी जब कीमोथेरेपी या रेडियो थेरेपी करवाते हैं ना, तब उनको अपने हेयर फॉल फेस से गुजरना पड़ता है। और फिर ये जो भी मतलब मार्केट में मिलती है पैसों में भी, पर पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। जिस नेचुरल अपन विग खरीदने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। और इसलिए ऐसे भारत में बहुत सारे एनजीओ हैं जो फ्री के अंदर विग बना के लोगों को प्रोवाइड करते हैं, लोगों से हेयर लेते हैं और फिर उसके बाद ये प्रोवाइड करते हैं। तो जितना हम कर सकते हैं उतना तो हम करें। अगर आप भी हेयर डोनेट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या प्रोसेस है वो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है? हेयर डोनेट के इनकी वेबसाइट होती है, वहाँ पे आप अपना बिफोर और आफ्टर का फ़ोटो भी देख सकते हो। वो अपनी वेबसाइट पे डालते हैं और आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वीक के बाद में आएगा, ठीक है ना? तो पहली बात तो ये है कि हमें कितने लंबे बाल चाहिए। तो हमको 12 इंच बाल चाहिए, आप समझ सकते हो कि 31 सेंटीमीटर हेयर चाहिए, ठीक है ना? बड़ी वाले स्केल है ना, उससे थोड़ा ऊपर हो तो चलेगा, ठीक है ना? उसके ऊपर ही होने चाहिए मतलब। और उसके बाद में सेकंड कि हमको अच्छे से हेयर को वॉश करना है, और उसके बाद में शैम्पू से, और उसके बाद में कंडीशनर यूज़ करना है उस दिन, ठीक है ना? ओके, उसके बाद में हमें ऐसे कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं जो हेयर के, हेयर प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने, और स्प्रे वगैरह हेयर के अंदर आते हैं वो भी कुछ यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना? और बालों की लेंथ ऐसे ऊपर नीचे हो गए तो तभी चलेंगे, पर जहाँ तक हो सके आप बराबर लेंथ के भी बाल लो, ठीक है ना? उसके बाद में थर्ड बात यह है कि अपन को ये सारा हो गया, उसके बाद अपन को सैलून के अंदर जाना है और हेयर को कट करवाना है। और जहाँ से आपको कट करवाने हैं उसके थोड़ा रिबिन लगा देना वहाँ पे, और उस रिबिन के जस्ट थोड़े से ऊपर से आपको हेयर कट करवाने हैं, ठीक है ना? और उसके बाद में उन हेयर को नीचे मत गिरने देना सैलून के अंदर, तो उनको बोल देना आप हेयर कटते करते उनको कि हेयर को या तो किसी टेबल वगैरह ऊपर रख दे या आपको हाथ में दे दे, ठीक है ना? तो गाइस, आपको जैसे जहाँ से बाल कट करवाने हैं उसके थोड़े से ऊपर से यहाँ से जैसे रबड़ बांध देना है, फिर यहाँ से कट कर देना आपको, ठीक है ना? तो कल आपको इस तरह चोटी बना देनी है, और फिर ये देखो इस तरह चोटी बना देनी है, और फिर ऊपर से रबड़ और एक बार नीचे से रबड़, 2 रबड़ लगा देने हैं। और उसके बाद में आपको एक जिप वाला पैकेट आता है वो मिले तो ठीक है, वो नहीं मिले तो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट आपको पॉलीथीन लेनी है। वो यहाँ पे मुझे मिली नहीं तो मैंने कहा ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन के अंदर भी डाल सकते हो। फिर आपको बालों को कुछ इस तरह करके फिर इसके अंदर डाल, तो गाइस ये मैंने अभी बालों को पैक कर दिया है। तो गाइस आपको इस तरह का एक लिफाफा लेना है, और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको उनका एड्रेस डालना है, फिर नीचे आप खुद का डालना है, नाम, नंबर, ईमेल और एड्रेस डाल देना, ठीक है? और अभी इसके अंदर अपन हेयर रख देते हैं अपना। अभी यहाँ से फेविक से चिपका देते हैं, टेप चिपका देते हैं ताकि लिफाफा सेफ रहेगा। और चलो अभी चलते हैं हम पोस्ट ऑफिस। तो गाइस हम आ गए पोस्ट ऑफिस, और तो गाइस अभी हम चलते हैं अंदर और देखते हैं। मैं फर्स्ट टाइम पोस्ट ऑफिस आई हूँ, मुझे यहाँ का कोई आइडिया नहीं है, देखते हैं यहाँ सब पूछना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली अभी मैंने पोस्ट कर दिए, और 4-5 दिन लगेंगे पहुँचेंगे, और अभी चलते हैं घर पर। चलो, और मैं रसीद भी ले ली मैंने इनकी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा बना वीडियो।